स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या है 8.2 कर ली थी, है ना। अब कौन सी है अपनी 8.3। वैसे जो आपके आखिरी प्रश्न अभी है ना, नॉर्मल क्या है, काम आने वाली चीज है। जैसे कि आप परसेंटेज निकालना है, नॉर्मल चीजों के परसेंटेज निकालोगे। फिर क्या था आपके, इसके बाद था लाभ हानि, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस। अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो तो भी काम आएगा कि कितने परसेंट लॉस हो रहा है, कितने परसेंट हानि हो रही है। परसेंटेज में निकाल लोगे, रुपए में निकाल लोगे डायरेक्ट। अब जो 8.3 आपकी ब्याज पे है, सेवंथ क्लास में जो था वो भी थी। ब्याज कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है चक्रवर्ती ब्याज, एक कौन सा होता है, एक होता है साधारण ब्याज। इससे पहले देखें कि ब्याज होता क्या है, क्या होता है ब्याज। ब्याज वो होता है किसी से ऋण लिया, जितना ऋण लिया उससे अधिक जो आपने राशि दी वो क्या होता है आपका ब्याज होता है। जितने आपने पैसे लिए हैं किसी से, मान लो 10,000 पे लिए हैं, पर लेकिन आप बाद में उसने बात की है, आप कितने रुपए दे रहे हो, 12,000 दे रहे हो, ठीक है। तो क्या हो गया आपका जो ब्याज हो गया वो कितने रुपए हो गए, 2,000। कहने का मतलब जितने धनराशि आपने किसी से उधार लिया है, ऋण लिया है, उसके अतिरिक्त जो आप राशि दे रहे हो वो क्या होता है, ब्याज होता है। एक होता है आपके निश्चित आय, एक होता है ब्याज, एक होता है मूलधन। मूलधन कौन सा होगा, मूलधन वो होगा जो रुपए लिए है, यानी मैं मूल का मतलब जड़ से, यानी जो जो भी मूल है वो धन रुपए। ब्याज क्या होगा, जितने आपने एक्स्ट्रा रुपए दिए। और मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस में ब्याज। जब मूलधन और प्लस ब्याज निकालोगे तो क्या बनेगा आपका, मिश्र धन बनेगा। साधारण ब्याज अपने सेवंथ क्लास में कर चुके थे। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होगा, उतने ही, मतलब कि अगर एक साल में आपके कितने 15 रुपए ब्याज बन रहे हैं तो अगले दूसरे साल में भी कितने 15 रुपए ब्याज बनेंगे। मतलब ये 15 रुपए अगले साल में भी, अगले साल के 15 रुपए ऐड हो जाएंगे। पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। कैसे, 150 था उसपे कुछ ब्याज लग के 168 रुपए हो गया, पर लेकिन जो अगला ब्याज लगेगा 168 के ऊपर लगेगा, ना कि 150 के ऊपर। ये क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना क्या कहलाता है आपका, चक्रवर्ती ब्याज। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, देखें। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो क्या होगा आपका मूलधन होगा, एक टाइम कितने टाइम के लिए है, एक दर यानी कितने परसेंट की दर से है, ठीक है। अपने अगर साधारण ब्याज निकालने की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100। ये क्या होता है आपका साधारण ब्याज। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है फिर फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन बैंक में 1 प्लस दर बटे में 100। 100 किस लिए लगता है, बिकॉज दर अपने किस में दी होती है, परसेंटेज में, परसेंट हटाते हैं तो क्या बटे में आता है, 100 ऊपर में टी यानी टाइम लगती है। ब्याज निकालना तो माइनस में क्या करोगे, मूलधन। अगर आपको इसका बोले चक्रवर्ती मिश्र धन पूछे, इसका मिश्र धन निकालो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मूलधन ए प्लस दर बटे में 100 की पावर 3, ठीक है। एक आपके फिर आता है ऐसे में, एक होता है वार्षिक संयोजित, अर्धवार्षिक संयोजित। अगर वार्षिक संयोजित है तो क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर अर्धवार्षिक संयोजित है तो क्या होती है, दर आधी हो जाती है, टाइम क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है। इसमें अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुपए 10,800 पर 3 वर्ष के लिए
बटे 2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से क्या करना है, संयोजित करने पर क्या निकालना है, कुल राशि निकालनी है और चक्रवृद्धि ब्याज। कुल राशि का मतलब क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस में मूलधन, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखेंगे मूलधन क्या है। सबसे पहले अपने निकाले मूलधन, इसको पी से लिखते हैं, 10,800 रुपए, ठीक है। फिर आपकी दर दी है आर से 12 सही 1/2%। कैसे सॉल्व करती है इसको, पहले निश्चय इनको साधारण ऋण में 12 × 24 = 25/2% है। फिर आपको समय दिया है यानी टाइम दिया है, कितना दिया है 3 वर्ष, और आपको बोला क्या दर क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना मान लो, इसको ऐसे लिखते हैं P1 + R/100 और N या टाइम, T से लिख दो या N से लिख दो, मूलधन 1 + दर/100 और टाइम, जो जो आपके पास है रख दो। कितना है मूलधन, 10,800, 1 + R कितना है 25/2, 2 में क्या आ जाएगा 100, और कितना टाइमिंग कितना दिया आपको 3, करो सॉल्व, 10,800, दर कितनी है 25, 2 × 100 से कितना हो जाएगा 200, फिर 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो 10,800 क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से 25 और 26 हो जाएगा कि डायरेक्ट नहीं होगा, क्या लेंगे पहले LCM यानी लघुत्तम, कितना हो जाएगा 200/1 है, 200 में 1 का भाग देंगे 200, 200 × 1 = 200, प्लस 200 का भाग 200 में दिया 1, 1 का गुणा 25 से किया 25, पावर कितनी है 3। आगे सॉल्व करें, 10,800 फिर 200 और 25 कितना हो गया 225/200 कितना गुणा 3, इसका मतलब क्या हुआ, पावर में 3 लगी है, क्या मतलब 3 बार क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में होगा, करो 10,800 × 225/200 फिर 225/200 फिर 225/200, जो कट रहा है वो काट देंगे। 25 का टेबल देखें, 25 × 225 = 25×200 फिर 25 × 225 = 25×200 क्या बन गया 10,800 × 9/8 × 9/8 × 9/8, जो कट रहे फिर से काटेंगे, ये कितना 8, ये कितना 0, यानी सम संख्या, सम संख्या में किसका भाग जाता है 2 का, तो करेंगे 2 × 8, इसमें करें करके देख लो, साइड में करके देखेंगे 10,800 में किसका भाग दोगे 2 का, कितने में जाएगा 2 × 5 = 10, फिर 2 × 8 फिर ये 2 0, यानी कितना आ गया 5400 आ गया, 5400 × 9/4 × 9/8 × 9/8, अब किसमें जाएगा, अब फिर देखते हैं 2 पे जा रहा है, करके देखो 2 × 4 × 2 = 4 कितना रह गया 1 ही हो गया 4 = 14 यानी 2 × 7 = 14, फिर कितना आ गया 2 0, फिर 2 पे जा रहे 2 × 1 = 2 करो 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 कितना रह गया 1 ऊपर से 3 = 0 2 × 5 = 10 फिर 0 कितना हो गया 1350 लिख दो 1350 गुणा इसका खत्म हो गया यानी 9/1 रह गया फिर 9/8 × 9/8 फिर कट करेंगे अगर फिर से 2 के टेबल से करें 2 × 8 करें 2 × 6 = 12 पे जाएगा फिर 3 में से 2 गया 1 कितना हो गया 15 2 × 7 = 14 कितना रह गया
दस, दो पंजे दस, ये हो गया आपका 675। अब देखो इकाइयां कितना आ गया, पांच, ये कितने, चार, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि रूल है जिसका इकाइयां जीरो या पांच हो वो किसके टेबल से जाता है, पांच के टेबल से जाता है, पर इसमें से कोई जा रहा है क्या, पांच के टेबल में से नहीं जा रहा, तो क्या लिख देंगे, 675 इंटू नो इंटू नो इंटू नो बटे में आठ। मतलब क्या करोगे, पहले काटते जाओ जितना कटते हैं, वरना आप कर सकते हो डायरेक्ट गुना करके सीधा इनका गुना करके भाग दे दो, पर बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए काटा 675 इंटू नो इंटू नो इंटू नो बटे में आठ, पहले इनका गुना करेंगे फिर क्या करेंगे, आठ से भाग देंगे। देखो दोबारा से देख लो इसको अपने, आगे करेंगे, पहले इतना देखते हैं क्या बोल रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकालना, चक्रवर्ती ब्याज के लिए अपने कितनी चीजें चाहिए, कम से कम तीन चीजें चाहिए, जिसमें आपको दिया मूलधन दे दिया कितना 10,800 रुपए, दर कितनी दी है 12 से 1/2%, ये किसमें थी, मिश्र बिन में थी, इसलिए इसको साधारण बिन में चेंज की, इस दोनों का गुणा 12 दुनी 24 और 1 25, 25/2% है, ठीक है। टाइमिंग कितनी दी आपकी 3 वर्ष, और क्वेश्चन भी बोला हुआ वार्षिक रूप से संयोजित है, अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो क्या होता है, टाइम का क्या हो जाता है, दुगना होता है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस ब्रैकेट में 1 + R/100, यानी मूलधन गुणा में 1 + 10/100, और पूरे के ऊपर क्या लगती है, टी यानी टाइमिंग। पी का मान कितना है 10,800, फिर ब्रैकेट ए प्लस दर कितने दी आपको 25/2% दी है, परसेंट हटाते हैं इसलिए क्या आता है आपका 100 आता है, 25/2 गुणा में क्या है 100, और टाइम कितना दिया आपको 3, तो 3 रख दिया, ठीक है। फिर 10,800 एक 25 2 का गुणा 100 से किया 200, ब्रैकेट में चल रहा है चलने दो, ऊपर पावर कितनी है 3, 10,800 इनको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया 200, जैसे किया 200 में 200 में भाग दिया 1 का गुणा 25 से किया 25 एकम 25, 200 में 25 जोड़ा कितना आ गया 225/200, पावर कितनी है 3, इसका मतलब अभी 7 प्रश्नावली में करवाया था आपको, ये क्या है घन है, मतलब एक संख्या कितनी बार 3 बार गुणा करेंगे, कर देंगे 225/200 × 225/200 × 225/200, फिर कट करते हैं अपना, किससे कट हो रहा है, 25 का टेबल याद करें तो 25 नीमा 225 25 अठा 200 25 नीमा 225 25 अठा 200 25 नीमा 225 25 अठा 200, चाहो तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो, पहले कट कर लिया ये लाइन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। फिर 10,800 लिखा इसको सेम 9/8 × 9/8 × 9/8, फिर जो कट रहे काट दो, जैसे ही काटा अपने को पता है इकाई जीरो है, यानी सम संख्या, ये भी सम संख्या है, जो सम संख्या होती है वो दो में भाग जाएगा उसका पूरा पूरा, तो भाग देंगे, जैसे ही भाग दिया तो आपका यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया 675 × 9 × 9 × 9 / 8, इसको आगे सॉल्व करें, घातक हो गया था 675 × 9 × 9 × 9 और 8 गुणा में क्या आएगा आपके 4, ये 4 भी है, अब क्या करना है, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 675 × 9 × 9 × 9 बटे में कितना आएगा 32, करो 675 × 9 × 9 × 9 यानी कितना 729/32, अब करेंगे 675 × 729 से, करो कितने में जाएगा 9 × 45 = 5 = 4 + 7 = 63 + 63 + 4 = 67 आंसर कितना हो गया 6 6 = 54 54 + 6 = 60 5 × 10 = 0 आंसर 1 7 × 14 14 + 15 = 5 आंसर कितना हो जाएगा 1 6 × 12 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 7 × 5 = 35 35 + 5 आंसर कितना हो जाएगा 3 7 × 7 = 49 49 + 3 कितना हो जाएगा 52 52 + 2 आंसर 5 फिर 7 × 6 = 42 42 + 5 = 47 कर दो 5 7 5 और 5 10 6 और 3 9 9 और 1 आंसर थी 10 10 + 2 12 2 आंसर 1 7 8 और 1 9 और 4 ये आ गया, लिखेंगे
बटे में क्या आएगा 32, यानी क्या है बेटे 32 से भाग देना है आपको, 2 32 से भाग। आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।